तो भाई क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ मेरे से तो बढ़िया ही होंगे। तो भाई आज का व्लॉग है, टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और भाई जहाँ मैं बता रहा था काम रुक चुका है वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा काम रह गया था उसको करके आते हैं कंप्लीट। पैसे वैसे तो मिलने हैं नहीं उससे, लेकिन जब भी जा रहे हैं उसका काम तो कंप्लीट कर दे, पैसे भी आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई लॉकडाउन वैसे ही लगा हुआ है, काम धंधा और जगह है नहीं, 2 जगह से काम के लिए मना हो गया, वो कह रहे हैं कि बाद में करवाएंगे जब लॉकडाउन हट जाएगा। और भाई यहाँ बैठी हुई है मम्मी, काम के लिए रोटी पैक कर रही है, और भैया पापा देख रहे हैं चुकुर चुकुर ये बैठे हुए हैं, देख लो। और भाई साहब आज की कहानी यूँ है कि रात को सोते टाइम पापा को मिल गए 3 भूत, ठीक है? अब पापा ने मुझे बुलाया नहीं, ठीक है, पापा डर गए, नो कह रहे अब नहीं सोऊंगा मैं छत पर अकेला। बताओ अब इतने बड़े बुड्ढे भूत से डर गए, अब कुछ बात है तुम बताना, तुम्हें भूत से डर लगता है नहीं लगता है? ठीक है, जिसको लगता हो बता देना। और मैं जाऊंगा अब काम पर, थोड़ा बहुत हो सका तो सिनेमैटिक शूट दिखाने की कोशिश करूंगा तुम्हें। और कल की वीडियो आपको कैसी लगी? हमने बाहर की वीडियो बनाई थी, थोड़ा सा स्टंट किया था उसमें, तो वीडियो को देखा करो और लाइक भी करा करो। सब्सक्राइबर तो बिल्कुल भी बढ़ी नहीं रहे हैं, क्या मैं प्रसाद बांट दूँ क्या अब सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए? है इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो फल मिलना चाहिए ना, पैसे वैसे तो मिलने हैं नहीं, तो कम से कम सब्सक्राइबर तो मिलो, वीडियो तो देखो, ठीक है? अब वीडियो और भी अच्छी जब ही आएंगी, जब सब्सक्राइबर और होंगे देखने में मज़ा आएगा, लोगों को ज़्यादा होंगे जभी तो वीडियो बनाने में मज़ा आएगा और बढ़िया जगह जाने में मज़ा आएगा। तो भाई अपन चलेंगे अब थोड़ी देर में अपने काम पे, थोड़ा बहुत हो सका तो मैं सूट दिखा दूंगा, अभी मैं घर पे हूँ, देख सकते हो मैं घर पे हूँ, ठीक है? यहाँ पर हमारा सामान रखा हुआ है दुकान वगैरह का, दुकान वकान तो लॉकडाउन में खाली कर दी थी क्योंकि लॉकडाउन में वो किराया मांग रहे थे, अब किराया बिना फालतू के लॉकडाउन में देना अच्छा तो है नहीं, इसलिए दुकान ही खाली कर दी। और यहाँ खड़े हुए हैं, ये खड़ी है चंपा बेचारी पुरानी दुरानी, ठीक है? यहाँ और भी बाइकें खड़ी हुई है, कोई भी चाहिए हो तो बता देना, पर मेरी ना है ये, ठीक है? तो भाई रात के सपने के बारे में थोड़ा सा पापा से पूछताछ करते हैं कि भूत से मिलने में कैसा लगा, तो मिलते हैं पापा से। तो है मगर वो दिखाई नहीं देते, मेरा गला दबा रहे थे। अच्छा, तो मैं चद्दर ओढ़ के सो रहा था तो मैं उसको उतारने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, सिराने 3 बैठे हो? अच्छा जी, 3 बैठे और काले काले नजर आए। काले काले? अच्छा जी, कपड़े क्या पहन रखे हैं उन्होंने? कपड़े ऐसे हैं जैसे बुरखा। बुरखा ऐसे ऐसे पहना होगा नाम पर। अच्छा, मोमडन थे क्या? हो सकता। अच्छा, क्यों मेरी जो छत पे खाट रहती है साथ साथ में ही रोड है, मेन रोड। तो भाई और भाई तो नहीं जगह ये रोड इतना खतरनाक था कि यहाँ इस रोड पे जो है 4-5 बंदे मर चुके हैं एक्सीडेंट से, क्योंकि ये पहले रोड चलता था। अब भी चलता है, कब चलता? तो ऐसा है, मौतें तो हो ही नहीं है, चारों तरफ अंधार है, कोई सोता नहीं है, मैं छत पे सोता हूँ। पहली बार ऐसी घटना हुई है मेरे साथ। अच्छा, मैंने चद्दर जबरदस्ती उगाड़ी, उगाड़ के मैं देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, फिर मैं लेट गया, फिर मेरे साथ ऐसे ही हुआ। अच्छा जी, फिर मैं आँख खुली जबरदस्ती, फिर मैं देखा तो कुछ नहीं है। दीवारें फिर ऐसे ही मेरी, 3 बार हुआ मेरे साथ। अच्छा जी, तो भाई 3 बार फिर मैं सोया नहीं। 3 बार भूत देखने के बाद एक तो नींद आई ऊपर से, या खाट खा के अपनी नीचे भग गया है, ठीक है? अब मैं छत पे नहीं सोऊंगा। फिर मम्मी पहुंच गई वहाँ, वहाँ देखने गई थी कौन बुरखे वाले हैं, वहाँ कोई भी नहीं मिला, ठीक है? तो भाई
बताना भूत भूत है या नहीं है, मुझे तो खैर लगता नहीं है कि भूत भूत है, क्योंकि हमने बहुत बार देखने की कोशिश करी है, भूत भूत है नहीं। और कहीं हो तो बताना, तुम्हारा भाई जाएगा जरूर मिलने के लिए भूत से। हाँ, क्योंकि हम यमराज के भगत हैं। ठीक है भाई, यमराज की भी थोड़ी बहुत पूजा करा करो, क्योंकि आखिरी वक्त में वही तुम्हारे साथ रहेगा, वही तय करेगा कि तुम्हें लेके जाना है नहीं लेके जाना है। ठीक है, तो सभी भगवान के साथ साथ यमराज की भी कभी कभार पूजा कर ले करो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। और भाई वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी भूलना मत ना। ठीक है, और थोड़ी सी सिफारिश मैं अपनी करवा दे, निवेदन है ये जो आपका हमारे व्लॉग फैमिली व्लॉग है, जो भाई कुछ भी समझ लो, ये थोड़ी मेहनत कर रहा है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा जी, और अच्छी अच्छी चीज आपको दिखाएगा, ये ऐसी बात नहीं है। हमारे फैमिली व्लॉग में आप हमारा साथ दो, साथ दो और हमारे बारे में सोचो। आगे आने वाले टाइम में आप देख सकते हो, यह सबसे बड़े है घर के मुखिया, फिर ये आ जाते हैं नीचे मैनेजर, और फिर हम आ जाते हैं बीच में वर्कर। ठीक है, तो एक काम करने वाली भी घर में आ जाएगी, चौथा आदमी भी देखने को मिलेगा आपको आगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप ये चाहते हो कि चौथा आदमी जल्दी से घर में आ जाए और कुछ अच्छा सा इन बुड्ढों से अलग किसी जवान को देखना चाहते हो तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैंने प्लानिंग कर रखी है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लोग आए करेंगे फिर बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, शॉर्ट मूवी भी लेके आऊँगा मैं, पर उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। शॉर्ट मूवी वगैरह ये सारी चीज़ लेके आऊँगा मैं, ऐसी बात नहीं है। चैनल भी करेंगे, कोई नहीं ग्रो करेंगे फिलहाल। वो मैंने अभी तक जो है अपने चैनल पर 30 वीडियो डाल चुका हूँ, और 30 वीडियो डालने का एक्सपीरियंस इतना है कि बोलने का मुझ में कॉन्फिडेंट आ गया है, अब मैं बिना रुके जो है बोल सकता हूँ। पहली वीडियो मेरी देख लेना और अब की वीडियो देख लेना, उसमें बोलने चालने का क्या सिस्टम है। तो भाई जितनी आप वीडियो बनाओगे, जितनी मेहनत करते रहोगे, उतना कॉन्फिडेंट आपको बढ़ता रहेगा। ऐसे मेहनत करते रहो, ऐसे व्लॉग बनाते रहो। और भाई मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये कहा है कि जब तक मेरा 1 मिलियन का परिवार नहीं हो जाता है, वो मेरा साथ देंगे। मैं उनका नाम ले रहा हूँ, शरवण कुमार कुछ व्लॉग है और एक सोनी व्लॉग है, आप इनको जाके सब्सक्राइब करें, इनका भी साथ दें, क्योंकि ये भी बेचारे बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। तो भाई ऐसे ही वीडियो में बने रहना, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, जब भी आपका कुछ हमारा फ़ायदा होएगा। ठीक है, तो भाई अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो भाई अगर मैं बाहर गया जाऊँगा वैसे अभी, तो मैं आपको एक आधी सिनेमैटिक शूट दिखा दूँगा। तो बाय 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 बाय।